शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद, शायद मेरे ख्यालों में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज़्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं। तो आपके लिए, आप लोगों के इस एज ग्रुप के लिए जो हमने टॉपिक डिसाइड किया है वो है हाउ टू डिस्कवर योर टैलेंट। कैसा टॉपिक, सही है? Yes, आप लोगों को नीड है इस टॉपिक की? Yes, अभी कन्फ्यूज़न हो यार मेरा टैलेंट क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा, कैसे क्या होगा, मैं सिंगर तो नहीं हूँ, मैं आतिफ असलम तो नहीं हूँ, मैं ये तो नहीं हूँ, वो तो नहीं हूँ, मैं सनी देओल तो नहीं हूँ, 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है, हो सकता है कोई एक्टर निकले यहाँ से, कोई क्रिकेटर निकले, कोई बहुत बड़ा IT इंजीनियर निकले, इंजीनियर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकले, कोई क्या इंजीनियर निकले, कोई डॉक्टर निकले, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्किल्स एंड इंटरेस्ट। तो टैलेंट क्या होता है, व्हाट इज टैलेंट जी, आप बता दें, व्हिच रिप्रेजेंट्स योर सेल्फ। डेफिनेटली वेरी वेल डन। एबिलिटी, ज़बरदस्त। और स्किल, वेरी वेल डन। और जी बता दो आप, डेफिनेटली। आपका नाम, इसके लिए तालियां बजाओ। इन्होंने मेरी बात छीन ली, क्या बंदे हो यार। टैलेंट इज एनीथिंग दैट यू एंजॉय डूइंग, इन्होंने ये कहा। अब इसको हम थोड़ा डीपली समझेंगे। टैलेंट बेसिकली होता क्या है, आप किसी काम को कर रहे होते हो, वहाँ आपको टाइम की अहमियत का पता ना चले, टाइम 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे गुजर जाए, आपको पता ना चले, और जो सुनने वाले हैं उनको भी पता ना चले। होता है ना, क्रिकेट खेलते हैं 5-5 घंटे तक खेलते हैं, उनको पता नहीं चलता टाइम का। कुछ लोगों को पढ़ाई में टाइम का पता नहीं चलता। सो टैलेंट इज़ नथिंग बट यू हैव द इंटरेस्ट टू डू इट। अगर आप किसी काम को करने में इंटरेस्टेड हो, इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड कि आप उस काम की वजह से बाकी दूसरे जो भी काम वो छोड़ सकते हो, वो है टैलेंट, वो स्किल। मतलब आपकी लाइफ के सेंटर में एक पॉइंट आ गया, एक चीज़ आ गई कि जिसकी वजह से आप कुछ भी कर सकते हो, कि वो नहीं तो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं। काम की बात कर रहा हूँ, लड़कियों की बात नहीं कर रहा, ठीक है, काम की। तो उस काम को जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारा जो जीने का मकसद वो काम हो गया, अब मरते दम तक उस काम को करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करें, कि कौन सी चीज़ मेरे में है, कौन सी चीज़ मेरे में नहीं है, कि मैं आर्ट के लिए बना हूँ, डिफरेंट चीज़ के लिए बना हूँ, किस चीज़ लिए बना हूँ, पता होना लाजमी है ना। इसके लिए पहला स्टेप हमें ऑब्ज़र्व करना होगा, किसे, अपने आप को, फिर घर वालों को, कि आपके पेरेंट्स के अब्बू, उनकी नेचर कैसी थी। मेरे पेरेंट्स का अगर आप देखो तो सारे स्पीच देने वाले, हम खलीफा लोग हैं ना, मेरी फैमिली में मेरे अब्बू भी स्पीच देने वाले, मेरे चाचे सारे वो स्पीच देने वाले भी अच्छे थे, और वो इबादत बंदगी में भी अच्छे थे। तो ये मेरे अंदर नेचुरल है। तो ये चीज़ मुझे कब पता चली कि ये मेरे अंदर नेचुरल है, जब मैंने पेरेंट्स को देखा, जब मैंने अपने वालिद साहब को स्पीच देते हुए देखा, तो मेरे अंदर एक अर्ज आ गई कि मैं भी स्पीच दे दूँ। 2014 में लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने मैट्रिक क्लास के बाद सेशन लिया, इसी थॉट की वजह से। तो पहला स्टेप क्या हो गया, ऑब्जर्व करना, किनको, अपने पेरेंट्स को, क्योंकि हमारे अंदर कुछ चीज़ें जेनेटिकली आती हैं। पब्लिक स्पीकिंग वाला मेरा जेनेटिक मेरे अंदर है, अब मुझे जितना भी बंदा फोर्स करे इसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरी पर्सनालिटी के साथ अब जुड़ चुका है। सेकंड, पहला क्या हो गया, जेनेटिक फैक्टर, पेरेंट्स, आपके अम्मी के पेरेंट्स, अब्बू के पेरेंट्स, उनमें क्या चीज़ ऐसी है जो यूनिक है, वो आप में हो सकती है, उसको देखने के लिए अटेम्प्ट लेना होगा। हो सकता है कुछ के सिंगर्स हो सकते हैं ना, बाप दादे सिंगर्स हो सकते हैं, मला लाई लालाई वाला लाई वाले, फिर आप भी दफ लेके दन तना तनाव तनाव स्टार्ट हो गए। टैलेंट है, हो सकता है आप में वो स्किल हो,
क्या पता कल को आप आतिफ असलम को भी बीट करो, पहला चीज़। दूसरा जो स्टेप है वो है कि आपने लर्निंग करना है। मैंने एक बुक पढ़ी थी जो कि मैंने अपने डिफरेंट सेशंस में बताया है, ये बात बताई है ये बात, और लाजमी है, यू कैन विन नाम से। उस बुक के 3 पेजेस पढ़ने के बाद मैंने 82 बंदों के लिए सेशन रखा। तालियां तो बजाओ इस बात पर। मैट्रिक क्लास के बाद 82 बंदों के लिए मैंने सेशन रखा। एक कितने बुक्स पढ़ के? 3 पेज। एक बुक के 3 पेज। इसी तरह आप भी बुक पढ़ लो, हो सकता है उस बुक के अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले आपको जो कि बड़े आई कैचिंग हो, जिससे हो सकता है आपको फ़ायदा हो आपके टैलेंट पता होने का। दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। तीसरा जो कि बहुत लाजमी है, तीसरा इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। अभी आप लोग की इस तरह है कि पढ़ाई के साथ साथ आप पूछो, घर पे क्वेश्चनिंग करो कि ये क्यों होता है, वो क्या कर रहा है, पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है। हो सकता है आप में से कोई पब्लिक स्पीकर हो सकता है। बोलने का शौक किसको है क्लास में? बेहतरीन। मैं क्लास में वहाँ बैठता था, क्यों पता है? क्योंकि वहाँ से आपको इंटरेक्शन करने के लिए जोर लगाना पड़ता है, ज़ोर से बोलना पड़ता है। तो जो ही मैं वहाँ से स्टार्ट करता सब पीछे मुड़ के देख रहा, लड़कियाँ नहीं थी बट चल जाता था। ठीक है, समझ गए। तो जब आप अटेम्प्ट लेते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, जब मुझे पता चला कि पब्लिक स्पीकिंग नाम से भी कोई चीज़ है, इमेजिन करो मैं अगर उधर यासीन के किसी कोने में पड़ा होता, मुझे पता भी नहीं होता कि दुनिया में पब्लिक स्पीकिंग नाम से कोई चीज़ है, मैं कर पाता? तो पता होना लाजमी है, रास्ते का पता होना लाजमी है। और आप लोग एज ग्रुप ऐसी है ना, आपने कोई बड़ा डिसीजन लाइफ में लिया ही नहीं है, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि आप मल्टीपल चीज़ों को अटेम्प्ट लो। सिंगिंग भी करके देखो, आर्ट भी करके देखो, पब्लिक स्पीकिंग भी करके देखो, कुछ भी करके देखो, एक ना एक तो होगा ना आप में। क्रिकेट भी खेल के देखो, खुद को आजमाओ। ये आप लोगों का बड़ा स्टेज है। आप लोगों की जो एनर्जी है ना मैं फील कर रहा हूँ, और मुझे जो मज़ा आ रहा है ना वो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ और कोई नहीं देख सकता, क्योंकि आप लोगों की जो एज ग्रुप है कोई प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। घर स्कूल से आते हो, पैसे लेके घर से आते हो, घर जाओ थोड़ी डांट पड़ती है, ज़्यादा खेलते हो, बुलेट हो तो खैर है, वो प्यार से पड़ती है, अपने ही तो डांटते हैं ना, बट हमें उतना प्यार भी करते हैं वो लोग। तो जब ऑब्जर्व करते हो पहला उनको जो आप इर्द गिर्द है, दूसरा आप अटेम्प्ट लेते हो, तीसरा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो बुक्स से, यूट्यूब पे देखते हो वीडियोस के लोग क्या क्या कर रहे हैं, अमेरिका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ब्ला 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 करोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा आपको पता चलेगा कि आपके अंदर भी कोई हिडन कैपेबिलिटी है। टैलेंट को सिंपल में मैं कहूँ तो इंटरेस्ट तो है ना बहुत सारे कामों में। आपको, आपसे ही मैं अगर पूछूँ तो आपका लाइफ में किस काम में इंटरेस्ट है सोने के अलावा और मोबाइल के अलावा? क्रिकेट। वेरी वेल डन। क्रिकेट खेल के, हो सकता है पढ़ाई के साथ साथ आप क्रिकेट भी खेलो, उसमें नाम कमा सकते हो? नहीं कमा सकते। लोग क्या कहते हैं टैलेंट फॉलो करना सिर्फ मूवीज़ में होता है, ये होता है वो होता है, ऐसी बातें बकवास है सब। मूवीज़ में होती तो मैं नहीं कर पाता, ये कर पाता मैं अगर मैं ये बिलीव रखता कि ये टैलेंट फॉलो नहीं कर सकते, शीश सेशन नहीं रख सकते। हम रख रहे हैं तो मैं किसको सुन रहा हूँ? खुद को। लोगों को बहुत सुनाना, कितना सुने, बुढ़े हो गए यार लोगों को सुन सुन करके। अब थोड़ा खुद को भी सुनना चाहिए। आप लोग इस एज से ही अगर ये प्रैक्टिस करते रहो, मेरी एज तक आने के तक आप तो यार हवा में उड़ोगे, पर लगेंगे आपको, इतने तेज़ हो जाओगे। और दूसरा कोई किसी का स्पेसिफिक टैलेंट है, कोई स्किल है? क्या है? प्रैक्टिसिंग में ज़बरदस्त। आप मैथमेटिशियन, मैथमेटिक्स की दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हो। और किसी के अंदर कोई टैलेंट है? यस, ऑर्गामी। इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करो क्या होता है। अच्छा, आपने वो प्रिजन ब्रेक मूवी देखी है? सीज़न प्रिजन ब्रेक नाम से एक सीज़न है, वो देखी है आपने? उसमें ये चीज़ें। अच्छा, और आप क्या क्या बनाते हो इसमें? मतलब कश्ती टाइप बना सकते हो और जहाज़ कुछ किसी का पुतला टाइप, कागज़ से बनाते हो ना? वाह यार ज़बरदस्त। ये भी आप कर सकते हो, ये करके ऑनलाइन प्रेजेंस रखो ना अपनी, ये करके मतलब हम किस तरह करेंगे कि स्टैंड में रखा इस तरह, जिस तरह हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं करते? पता नहीं था, अब पता चल गया ना आपको। यही मैं चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं चाह रहा, हर कोई पढ़ाई में आगे नहीं जा सकता, हर कोई पढ़ेगा भी नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करना है, इन्हीं की वजह से दुनिया बनती है। दुनिया को सिंगर्स ने और आर्टिस्ट ने चेंज किया है,
बाकी जो पढ़ने वाला है वो भी इनाम कमाता है, ऐसी बात नहीं है, उसकी भी रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है आपने। और इसमें और क्या स्पेशल होता है? मैसेज प्रोवाइड करना नहीं, अच्छा यार आप बड़े टैलेंटेड बंदे लग रहे हो यार, माशाल्लाह ज़बरदस्त, तालियां बजाओ इसके लिए, वेरी वेल डन। आप भी ये स्टार्ट करो, ठीक है, छोटे छोटे लोगों को सिखाओ, बंदों को दिखाओ सिखाओ, तो आपकी इंटरेस्ट इसमें बढ़ेगी। पढ़ाई के साथ साथ ये करो, पढ़ाई भी छोड़नी नहीं है, ठीक है। और कोई कोई यार यहाँ तो बड़े टैलेंटेड बंदे हैं, मैं हैरान हो गया यार, मुझे जेलसी हो रही है आप लोगों से। वाओ, कौन कौन सी चीज़ें बजा, ये बजा सकते हो? रुबाब बजाते हो? रुबाब सबसे मुश्किल है पता है, तो आप भी रुबाब की रिकॉर्डिंग करके लगा सकते हो ना। वो अभी सी, दो तीन बहुत है, दो तीन सीखोगे ना चौथे का आइडिया खुद आएगा, ये याद रखो। हम कहते हैं ना परफेक्ट होके करेंगे, आपकी भी यही सोच होगी कि मैं अभी यंग हूँ, परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे कौन सुनता है, आपका भी यही होगा, आपका भी यही होगा, मेरा भी यही है, बट आई स्टार्टेड, तो स्टार्ट लेना है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये करके लगाना है, देखे ना देखे आपको क्या फ़र्क पड़ता है, पैसे तो घर वाले दे रहे, ठीक है, इस तरह डिफाइन करना पड़ता है आप में। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, बैठो। और कोई मेरा तो टैलेंट का भरमार है, देखो यार क्रिकेट, यहाँ कोई क्लब्स है, क्लब बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ क्लब्स है आगे पीछे जो इनिंग टाइम में चलती हो, होंगी क्यों नहीं है, मुझे पता है। तो एक घंटा नहीं दे सकते आप उधर, उधर एक घंटा दोगे तो आपके 23 घंटे कैसे गुजरेंगे, मस्त पढ़ाई कैसे करोगे आप, और क्या चाहिए यार, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आज की ये दुनिया खुली पड़ी है, माइंड को खोलना है। आप ट्राई कर सकते हो, नहीं कर सकते, पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हो ना, इस थॉट में रहो कि मुझे क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर बनना है, करो कुछ नहीं, बेटर बेटर हो, पेट भी यहाँ निकला, ख़त्म ना, ये कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आपको पता है मेरे टैलेंट्स कितने हैं? बहुत ज़्यादा है। मैं राइटर भी हूँ, मैं पब्लिक स्पीकर भी हूँ, सिंगिंग मुझे नहीं आती है, बहुत गंदा गाया था मैंने एक दफ़ा, फिर उसके बाद से छोड़ दिया। उसके बाद से मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ, सब काफ़ी चीज़ें करता हूँ ना, बट इसमें स्पीकिंग नहीं तो कुछ नहीं, मैंने डिफ़ाइन किया है, क्योंकि इसमें जो होता है ना, जो एनर्जी मुझे मिलती है वो किसी चीज़ में नहीं मिलती, राइटिंग में भी नहीं मिलती। हालांकि मैं लिखता भी हूँ, स्टोरीज लिखता हूँ, फेसबुक पे लगाता हूँ, पर ये लिख स्पीकिंग का काम है ना, ये मैंने कहा कि इस ये नहीं तो, ये नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो कुछ नहीं। वेरी वेल डन, समझ गए आप, आपको क्लियर हो गया ना, एक्सक्यूज़ मी, आपको क्लियर हो गया ना, तो देखना है आपको कि आपको किस में ज़्यादा मज़ा आता है, जिसमें ज़्यादा किक मिलता है। बेहतरीन यार, आप इसे इसमें यार, आप लोग माशाल्लाह, अपने लिए तालियां बजाओ एक दफ़ा। आई रियली, मैं ना, मैं दिल से एक बात को, आज मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि जो वाइब्रेंस, जो टैलेंट यहाँ पे, जो बंदे, जो आप लोगों की, हर बंदे की जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, बहुत अट्रैक्टिव है, मैं बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस करोगे आप यहाँ से निकल गए। वो बहुत मुश्किल होता है, मैं अभी सीख रहा हूँ वो इफेक्ट्स लगाना। तो आप कोई वीडियो क्या प्रोफेशनली कर रहे हो कि नहीं, अपने लिए करते हो? कर लेते हो तो एंड में मैं आपको सब्सक्राइब करूंगा, आप मुझे करना। बेहतरीन, ये आप बता देना, ठीक है, एंड में हमें और वीडियो सही डालते हो आप वहाँ पे? कीप इट अप, इसको करते रहो, इसी तक हो सकता है आपके घर के सामने लैम्बोर्गिनी खड़ी हो, लैम्बोर्गिनी है चलाए जानी, कुछ गाना भी है ना। बेहतरीन, इसके लिए तालियां बजाओ सबके लिए। और कोई कुछ यार? ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। फोटोग्राफी आप कैमरे से सीख रहे हो? वेरी वेल डन। आप जब अपने मोबाइल से करते हो ना छोटी मोटी, वो करते रहो, इंस्टाग्राम कोई पेज है आपका, सोशल मीडिया चलो, जब आप मैट्रिक में आओगे, फर्स्ट ईयर में आओगे, तब कोशिश करो छोटा सा पेज भी बनाओ, वहाँ पे आप वीडियो फोटोज़ डालते रहो, डालते रहो, हो सकता है आपको कोई अप्रोच करे कि सर आप हमारे साथ काम करें प्लीज़।
हम आपको लाख रुपए देंगे, हम आपको डॉलर्स देंगे। हो सकता है ना, वीडियो एडिटिंग अभी से स्टार्ट कर लो आप। बेहतरीन है, ज़बरदस्त, इसके लिए भी तालियां बजाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप वंस अगेन अपने लिए एक दफ़ा तालियां बजाओ।